नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों एक बार फिर से स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर में और साढ़े बारह बजे आपने आज जो वीडियो देखा होगा उसमें आपने राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बारे में देखा होगा आज हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है मुद्रा मुद्रा स्फीति और मौद्रिक नीति यानी मनी इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी ये क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके एनालिसिस पर आपको पता चलता है कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चंस और कैसे पूछे जा सकते हैं तो एक तो ये आपको संभावित टॉपिक्स देता है कि भाई इन टॉपिक्स से बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं और ये मान के चलिए कि मौद्रिक नीति अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं आज की क्लास में ठीक है तो मुद्रा मौद्रिक नीति संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं बैंकिंग प्रणाली भी इसके अंदर अपन लोग कवर करने वाले हैं ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चलिए तो हम लोग यही से शुरुआत करते हैं आज मौद्रिक नीति की तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मुद्रा ठीक आप सभी जानते हैं कि इतिहास में पहले विनिमय प्रणाली चलती थी बाल्टर सिस्टम मतलब वस्तु के बदले वस्तु ठीक है और जैसे ही मुद्रा का आगमन होता है तो सबसे पहले आप देखेंगे पत्थर की मुद्रा आती है जिसको शैल खड़ी भी कहा जाता है उसके बाद आप देखेंगे आपने इतिहास में पढ़ा होगा धातु की मुद्रा आती है मेटल कॉइन्स और उसके बाद फिर कागज के यानी करेंसी नोट्स आने शुरू हो जाते हैं तो मुद्रा की ये प्रणाली है और आज मुद्रा में जिस प्रणाली का प्रयोग किया है उसको कहते हैं फिएट प्रणाली पीएड सिस्टम तो आज का जो ये सिस्टम है इसमें आपको मुद्रा जो है मुद्रा के बदले बाजार में आप किसी भी वस्तु या सेवा को लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कोई सामान खरीद रहे हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं ये वस्तु है कोई चीज है जिसे आप महसूस कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने रिचार्ज करवाया फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया तो ये जो सारी चीजें जिसको आप महसूस कर सकते हैं वो सेवा कहलाती है तो वस्तु और सेवा गुड्स और सर्विसेज ये बाजार में जब आप जाएंगे तो बाजार में वस्तु या सेवा का विनिमय आप मुद्रा के बदले ही कर सकते हैं आज आप देखिए तो मुद्रा करेंसी हो सकती है कॉइन्स हो सकती है अदरवाइज आजकल ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू गूगल पे पेटीएम फोन पे फिर या तो कार्ड पेमेंट या तो कई जगह पर चेक या डिमांड ड्राफ्ट जैसी चीजें भी हैं तो मुद्रा के कई अलग अलग मोड्स हो सकते हैं लेकिन मुद्रा बेसिकली वो माध्यम है जिसके द्वारा आप बाजार में वस्तु या सेवा का विनिमय कर सकते हैं तो व्हाट इज इज करेंसी करेंसी द मीडियम बाय यू कैन आइदर एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज इन द मार्केट तो इस बात को ध्यान में रखेंगे यदि दो नंबर में पूछता है आपसे मुद्रा को मुद्रा क्या है ठीक है चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मुद्रा छपाई का जो काम है इसको आप नोटों की छपाई का काम कहते हैं वो आरबीआई करती है तो आरबीआई आरबीआई जो है वो करेंसी प्रिंटिंग का काम करती है यहां पर ठीक है देखिए, आरबीआई न सिर्फ करेंसी प्रिंटिंग का काम करती है जिसको हम लोग मुद्रा का मुद्रा की छपाई भी कहते हैं अभी तो ये मुद्रा का निर्गमन भी करती है जिसको हम लोग कहते हैं करेंसी इशूइंग यानी सिर्फ आरबीआई ऑथराइज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है भारत का सेंट्रल बैंक है सिर्फ यही ऑथराइज है कि ये नोटों की प्रिंटिंग कर सकता है और मुद्रा का निर्गमन यानी करेंसी को इश्यू कर सकता है मार्केट में अभी कैसे मार्केट में इशू करता है समझने का प्रयास करेंगे यहां पर आरबीआई जो है बेटा ये बना था आरबीआई एक्ट 1934 और ये जो आरबीआई एक्ट 1934 है ये लागू होता है आपने पढ़ा होगा जरूर एक अप्रैल 1935 को और एक अप्रैल 1935 को ही हम आरबीआई की स्थापना दिवस मानते हैं ठीक है स्टेब्लिशमेंट डे ऑफ आरबीआई ये जो आरबीआई एक्ट 1934 है इसका एक स्केड्यूल है स्केड्यूल टू जिसको हम लोग आरबीआई एक्ट उन्नीस की अनुसूची दो भी कहते हैं आरबीआई एक्ट उन्नीस की अनुसूची दो में जो भी बैंक वर्णित हैं, इनको हम लोग कहते हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या कहते हैं इनको अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित इसलिए क्योंकि अनुसूचित दो में है वाणिज्यिक इसलिए क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड है यानी पैसे से रिलेटेड वित्त से रिलेटेड है और बैंक तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तो ध्यान से सुनेंगे ये जो आरबीआई होती है ये मुद्रा का निर्गमन करती है करेंसी इशू करती है डायरेक्टली देखिए आप ध्यान से सुनेंगे डायरेक्टली पब्लिक से लेना देना आरबीआई का नहीं पब्लिक से लेना देना आरबीआई का नहीं है आरबीआई बैंकों के साथ में डील करती है और ये जो बैंक है फिर ये बैंक जो है पब्लिक के साथ में डील करते हैं और फिर ये जो पब्लिक है ये मार्केट के साथ में डील करती है ठीक है मतलब बाजार में वस्तु या सेवा का विनिमय करती मुद्रा के बदले ठीक समझना कि ये जो आरबीआई है ये बैंकों को पैसा देती है इसको कहते हैं करेंसी इशू करना मुद्रा का निर्गमन ठीक है ये है इशूइंग ऑफ करेंसी मुद्रा का निर्गमन इशूइंग ऑफ करेंसी ठीक लेकिन ये जो बैंक पैसा देते हैं बेटा पब्लिक को इसको हम लोग कहते हैं साख का सृजन ध्यान से तो सुनिएगा साख का सृजन यानी क्रेडिट क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन यानी पब्लिक के वस्तु या सेवा खरीदने की यानी बाजार में किसी भी प्रकार से खर्च करने की क्षमता को ही हम साख कहते हैं आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड कितना खर्च किया जा सकता है क्षमता क्या है

हुआ क्योंकि आरबीआई सेंट्रल बैंक है इसलिए साख का सृजन नहीं करता ये साख का नियंत्रण करता है ध्यान से सुनेंगे ये क्या करता है साख का नियंत्रण कहने का मतलब क्रेडिट कंट्रोल का काम करता है ठीक है क्रेडिट कंट्रोल कि कैसे पैसा बाजार में जाना चाहिए उस फ्लो को निर्धारित करने का काम किसका है आरबीआई का है और आरबीआई से जब इश्यू हो जाते हैं पैसे बैंकों के पास तो साख का सृजन यानी पब्लिक की जो पेइंग कैपेसिटी है उसको घटा या बढ़ा कौन सकते हैं यहां पर बैंक लेकिन याद रखेंगे अल्टीमेट कंट्रोल कौन कर रहा है यहां पर आरबीआई तो ध्यान से तो सुनेंगे आरबीआई साख का सृजन नहीं करती आरबीआई साख का नियंत्रण करती है और इस साख के नियंत्रण का सीधा सा मतलब क्या है इस साख का नियंत्रण या क्रेडिट कंट्रोल का मतलब सीधा सा ये है कि इस क्रेडिट कंट्रोल के अंदर आरबीआई ये निर्धारित कर सकती है यदि सामान्य भाषा में बोलूं तो कि बाजार में कितना पैसा जाएगा है ना बाजार में कितना पैसा जाएगा और आपने कई बार सुना होगा पैसा पानी की तरह बहा देंगे एक्चुअल में पैसा तरल होता है मनी लिक्विड होती है ठीक है इसलिए आप देखेंगे कि यदि आपके जेब में पैसा है कैश है तो आजकल तो खैर ऑनलाइन भी हो गए तो ऑनलाइन भी चीजें बहुत जल्दी पेमेंट हो जाती है लेकिन पहले ऐसा कहा जाता था कि भाई यदि आप कैश रखे हुए तो तुरंत खर्च हो जाएगा कैश रखे तो तुरंत खर्च जाएगा यानी कि मुद्रा जो है वो लिक्विड है तो बाजार में कितनी मुद्रा होगी उसको कैसे तोलते हैं बाजार में मुद्रा की तरलता से ठीक है लिक्विडिटी ऑफ मनी इन द मार्केट इसको कहते हैं वन अंग्रेजी में लिक्विडिटी ऑफ मनी इन द मार्केट तो बाजार में मुद्रा की तरलता लिक्विडिटी ऑफ मनी इन मार्केट आरबीआई शाख के नियंत्रण के अंदर क्रेडिट कंट्रोल के अंदर यह डिसाइड कर सकता है यह निर्धारित कर सकता है कि भाई बाजार में मुद्रा की तरलता ज्यादा होगी या कम होगी द लिक्विडिटी ऑफ मनी इन द मार्केट शुड बी मोर और शुड बी लेस ये निर्धारित कौन कर सकता है आरबीआई कैसे निर्धारित करेगा ध्यान से देखेंगे आरबीआई बैंकों को पैसा देता है आपने देखा यहां पर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है और बैंक पब्लिक को पैसा देते हैं ठीक है अब देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा यहां पर यदि आरबीआई बैंकों को पैसा दे रहा है तो आरबीआई फ्री में तो पैसा देगा नहीं आरबीआई जब भी पैसा देता है बैंकों को तो बैंक उसके बदले उसको ब्याज देते है, ठीक है इंटरेस्ट ये ऐसा ही है कि समझ जाइए बैंक हमको ब्याज दे रहा है साख दे रहा है क्रेडिट दे रहा है तो इसके बदले हम लोग इसको क्या देते हैं ब्याज देते हैं या इंटरेस्ट देते हैं और इस ब्याज या इंटरेस्ट को कहते हैं अपन लोग बेस रेट तो याद रखिएगा जो बैंक हैं, जो पब्लिक से पैसा लेते हैं

तो दो प्रकार से जैसे आप अपने दोस्त से उधार लिए पैसा थोड़े समय के लिए लिया एक दिन के लिए है ना या सात दिन के लिए या चौदह दिन के लिए इक्कीस दिन के लिए अट्ठाईस दिन के लिए एक महीने मतलब मैक्सिमम एक महीना हो सकता है ठीक तो मान लीजिए इतने कम समय के लिए लिया तो ये कहलाता है अल्पकालिक ऋण यानी एक दिन के लिए हो सकता है सात दिन चौदह दिन इक्कीस दिन या अट्ठाइस दिन ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए या तो हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए लिया कि भैया तीन मंथ तीन मंथ के लिए ले लिया या आपका छह मंथ के लिए ले लिया या आपका वन ईयर के लिए ले लिया तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यदि शॉर्ट टर्म पर बैंक पैसा ले रहे हैं शॉर्ट टर्म पर बैंक पैसा ले रहे हैं बेटा तो याद रखिएगा यदि शॉर्ट टर्म पर ले रहे हैं तो इस पर वो जो ब्याज पटाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं रेपो दर या रेपो रेट ठीक रेपो दर या रेपो रेट ठीक और यदि वो लॉन्ग टर्म पर पटा रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट बैंक रेट ठीक लेकिन आपको पता है कि लोन ऐसे तो मिलता नहीं हर तो ऐसे तो हर आदमी लोन ले ले लोन लेने के लिए आपके पास में कुछ ऐसा संपत्ति होना चाहिए कुछ ऐसा एसेट होना चाहिए जिसको आप गिरवी रखें मतलब देखिए पहले क्या होता था कि पहले साहूकार से जमींदार से जब पैसा लेते थे तो कुछ सामान अपना गिरवी रखना पड़ता था जैसे आज भी गोल्ड लोन चलता है तो फॉर एग्जाम्पल किसी को पैसे की जरूरत है तो अपने गोल्ड को डायरेक्टली गिरवी रख सकता है ठीक है कोलेट्रल के रूप में ठीक है मतलब गिरवी रखना कोलेट्रल मतलब गिरवी रखना लेकिन यदि आज सामान्य भाषा में यदि आपको लोन चाहिए फॉर एग्जाम्पल आप सरकारी कर्मचारी हैं सरकारी नौकरी में हैं या इवन प्राइवेट नौकरी में यदि आपको लोन चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि आपकी ये ये संपत्ति है असमें आप बहुत सारा साइन करवाया जाएगा और साइन करवाने का मतलब यह नहीं कि वो आपका घर ले लेंगे साइन करवाने का मतलब यह है कि ऐसी यदि स्थिति आती है कि यदि आप लोन पटाने में सक्षम नहीं है है ना या जो आपका गारंटर है हम हम जब भी लोन लेते हैं तो एक गारंटर होता है वो गारंटर भी यदि पैसा पटाने में सक्षम नहीं है तो फिर आपकी संपत्ति को नीलाम किया जा सकता है जैसे आपने देखा होगा कि विजय माल्या वगैरह जब पटा नहीं पाए पीएनबी का लोन बैक तो उनकी संपत्तियां जो थी भारत में उसको नीलाम किया गया उसके बावजूद उनका पूरा नहीं हो पाया कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो गिरवी रखा जा रहा है वो दूसरे फॉर्म में रखा जा रहा है वैसे ही जब भी बैंक पैसा लेते हैं आरबीआई से बदले में अपन ब्याज दर तो देंगे देंगे लेकिन कुछ गिरवी रखते हैं जो गिरवी रखते हैं बेटा वो सिक्योरिटी होती है और वो ऐसी वैसी सिक्योरिटी नहीं होती वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसको कहते हैं सरकारी प्रतिभूति सरकारी प्रतिभूति तो मैंने क्या कहा जब भी गवर्नमेंट जब भी जो बैंक है वो लोन लेंगे किससे पैसा लेंगे आरबीआई से तब वो लोन के रूप में प्राप्त करेंगे और लोन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं इसलिए उनको क्या पटाना पड़ेगा ब्याज पटाना पड़ेगा कम समय में रेपो रेट ज्यादा समय में बैंक रेट लेकिन जब भी चाहे लॉन्ग टर्म ले चाहे शॉर्ट टर्म ले चाहे शॉर्ट टर्म ले चाहे लॉन्ग टर्म ले उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखवाना पड़ेगा गिरवी या कोलेट्रल के रूप में ठीक है तो आप ध्यान से सुनेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है बेटा देखिए गवर्नमेंट जो है या सरकार जो है वो दो लोगों से पैसा ले सकते सकती, या तो वो सरकार से पैसा ले सकती है गवर्नमेंट से मतलब आरबीआई से और दूसरा वो पैसा ले सकती है बैंकों से जिसको आप लोग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कह देते हैं ठीक है तो या तो आरबीआई से पैसा लेगी या तो वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों से पैसा लेगी तो यदि वो आरबीआई से पैसा ले रही है फॉर एग्जाम्पल यदि वो आरबीआई से पैसा ले रही है तो बदले में आरबीआई को वो सिक्योरिटी देती है जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकारी प्रतिभूति फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा बॉन्ड जैसा होता है ये मान लीजिए गवर्नमेंट ने आरबीआई से एक हजार करोड़ रुपए लिए तो बोले मैं धारक को एक हजार रुपए एक हजार करोड़ रुपए देने का वचन देता हूँ कुछ ऐसा को लेटरल जैसा होता है ठीक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी यही चीज गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट है वो बैंकों से जब पैसा लेती है तो उनको भी देती है अब मान लीजिए कि भाई ये दोनों के पास में मान लीजिए इसके पास में एक हजार करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और एक बैंक को एक हजार करोड़ रुपए चाहिए आरबीआई से आसानी से मिल जाएंगे बस वो आरबीआई को ये जो एक हजार करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो उसके पास में थी उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को किसको रखवा देगा आरबीआई को रखवा देगा आरबीआई बदले में उसको पैसा दे देगा यदि कम समय के लिए है तो रेपो रेट ज्यादा समय के लिए है तो बैंक रेट ठीक है तो समझिएगा यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू क्या होता है यहाँ पर लेन देन होता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रखवा करके कोलेक्ट्रल के रूप में रखवा करके यहाँ पर कम समय के लिए ब्याज दर रेपो रेट और ज्यादा समय के लिए बैंक रेट दी जाती है अब ऐसा है कि मान लीजिए कभी कभी आरबीआई को भी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हो सकता है बैंक के पास रखवाना पड़ जाए तो आरबीआई के पास में हजार करोड़ रुपए हैं और आरबीआई ने क्या किया कि आरबीआई ने अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसको जी सेक्स भी कह देते हैं तो जी सेक्स को शेड्यूल कमर्शियल बैंक यानी अनुसूचित वाणिज्य बैंक को रखवा दिया अब ये जो बैंक है ये सिक्योरिटी तो रखेगा और इसके बदले में इसको क्या देगा पैसे देगा तो यदि पैसे दे रहा है तो फ्री में तो यहां भी नहीं देगा बोले यार आप भी हमको फ्री में नहीं देते हम भी आपको फ्री में नहीं देंगे हमने आपको जो पैसा दिया तो उसके बदले में आप हमको क्या दीजिए ब्याज दर बोले कौन सा नाम क्या रखे तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है बोले हमने आपको जब पैसे दिए थे हमने जब आपको पैसे दिए तो आपने बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखवाई तो आप हमको ब्याज देंगे सेम टू सेम हम जब आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखवा रखवाते आप हमको पैसा देते थे हम आपको रेपो रेट देते थे आप हमें रिवर्स रेपो रेट दे दीजिए कहने का मतलब ये है कि जब आरबीआई ब्याज देते हैं कम समय पर जब ऋण लेते हैं या जब बैंक ऐसा कह दीजिए कि बैंकों के पास वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखवाते हैं तो उसके बदले में बैंक उनको लोन देता है बैंक उनको पैसा देता है और उसके बदले में आरबीआई जो ब्याज देते हैं उसको कहते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट ठीक है यहां पर आप क्वेश्चन देखेंगे कि यदि आपसे पूछा जाए कि रेपो दर किसे कहते हैं या रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट में अंतर बताइए चार नंबर में पूछा हुआ है यहां पर ठीक है चार नंबर में यहां पर पूछा हुआ है तो कैसे लिख सकते हैं देखिए एक तरफ आप लिखेंगे रेपो रेट और एक तरफ लिखेंगे रिवर्स रेपो रेट ठीक सबसे पहले लिखेंगे यह अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई को दिया जाता है ठीक यहां क्या लिखेंगे यह आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंकों को दिया जाता है ठीक है दूसरा आप लिखेंगे इसके अंतर्गत अनुसूचित बैंक आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी सरकारी प्रतिभूति रखवाते हैं इसमें क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों के पास सरकारी प्रतिभूति रखवाती है ठीक है तो आप देखिए यहां पर कि यह आपको समझ में आ रहा है ठीक तीसरा यह एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण है दिस इज वन टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन अल्पकालिक ऋण है या एक या एक प्रकार की अल्पकालिक ऋण पर दी जाने वाली ब्याज दर है देखिए मैं एकदम रॉ आपके तो माध्यम से अपने 1400 नंबर के लिए आप इतनी सारी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे इतनी सारी तैयारी आप सब चीजों को याद नहीं कर सकते कुछ चीजों को कॉन्सेप्चुलाइज करके कुछ चीजों को समझ करके आपको वहां पर लिखना पड़ेगा यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं या एक प्रकार की अल्पकालिक ऋण पर दी जाने वाली ब्याज दर है जो जो यहां पर बैंकों के द्वारा दी जाती है और यहां पर क्या लिखेंगे शो आरबीआई के द्वारा दी जाती है ठीक है इसके बाद एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि रेपो दर सामान्यतः रिवर्स रेपो दर से अधिक होती है ठीक है तो रेपो दर हमेशा थोड़ा सा अधिक रहेगी क्योंकि बैंक जब ब्याज देंगे तो ज्यादा तो दर से कम होती है ठीक है तो ये चार पॉइंट्स आप लिख सकते हैं रॉ मैंने आपको समझाया आराम से अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं शब्दों की हेराफेरी भी कर सकते हैं यानी अपने वर्ड्स में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं ठीक है अब ध्यान से सुनिएगा मैंने कहा पहले आपको मुद्रा के बारे में बताया मुद्रा के बाद मैंने आपको घटाई बढ़ाई के के मतलब के के जा सकती है ठीक है अब ध्यान से सुनिएगा मैंने आपको बताया कि मुद्रा की तरलता जो है वो घटाई बढ़ाई जा सकती कैसे घटाई बढ़ाई जाएगी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ आरबीआई मान लीजिए पैसे दे रही है बैंकों को शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को और शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है पैसा दे रहे हैं पब्लिक को ठीक ये जब पैसा देंगे तो इसके बदले उनको रेपो रेट मिलेगा ये जब पैसा देंगे तो इसके बदले बैंकों को बैंक रेट मिलेगा ठीक है बैंक रेट सॉरी बेस रेट मिलेगा है ना इसको बेस रेट कहते हैं और बैंक रेट आप सभी को पता है कि बैंक रेट बैंक ही देते हैं किसको आरबीआई को तो बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है देखिए पब्लिक बेस पर है तो वो बेस रेट देगी और बैंक जो है वो बैंक रेट देंगे बैंक रेट लंबे समय के लिए अल्पकालिक ऋण नहीं होगा दीर्घकालिक ऋण होगा और अल्पकालिक ऋण क्या है आपका रेपो रेट ठीक अब देखिए यहां पर मैंने कहा कि यदि बाजार में मुद्रा की तरलता को बढ़ाना है या लिक्विडिटी ऑफ मनी को इनक्रीज करना है लिक्विडिटी लिक्विडिटी ऑफ ऑफ मनी मनी को को करना है अब आरबीआई क्या करेगा liquidity of money को increase करने के लिए यहां पर वो रेपो रेट को कम कर देगा जैसे ही रेपो रेट कम हुआ तो बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना चाहेंगे क्योंकि भाई ब्याज दर कम हो गई ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंगे सेम टू सेम बैंक भी क्या करेंगे इस इफेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और जैसे ही रेपो रेट कम होगा बैंक अपने बेस रेट भी कम कर देंगे यानी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के पास क्या जाएगा मार्केट में पैसा जाएगा वही सीधी सी बात है मान लीजिए आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं एक आपको पांच परसेंट लोन पर अवेलेबल है एक आठ परसेंट लोन पर अवेलेबल है एनुअल तो आप पांच परसेंट वाला ही लेंगे आठ परसेंट में क्यों देंगे ब्याज तो जैसे ही ब्याज दर कम होती है तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसे लेने चाहते हैं रेपो रेट कम होगा तो बैंक रेट भी कम होगा यहाँ पर और जब यहाँ रेपो रेट बैंक रेट कम होगा तो बाजार में मुद्रा की तरलता अपने आप बढ़ने लगेगी सर बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ाते क्यों है? बेटा ध्यान से सुनना बाजार में यदि मंदी है यानी रिसेशन है कहने का मतलब यह है कि चीजों की डिमांड और सप्लाई गिर गई है खासकर चीजों की जो मांग है डिमांड है वो गिर गई है भले ही सप्लाई जो है प्रॉपर हो रही है लेकिन बाजार में मंदी है यानी लोगों के हाथ में पेइंग कैपेसिटी नहीं है पैसा नहीं सर कोविड के टाइम पे आपने देखिए कि भाई कोविड के टाइम पे लोगों की जॉब चली गई

उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़े उनकी डिमांड बढ़े इसमें खाली लोगों का फायदा नहीं इसमें मार्केट का भी फायदा और अर्थव्यवस्था तभी चलेगी जब चक्का पूरा डिमांड और सप्लाई का घूमता रहेगा मांग और पूर्ति का नियम एक साथ काम करता है और मांग और पूर्ति का नियम जब तक ठीक से काम नहीं करेगा या तो बाजार में मंदी आएगी या तो बाजार में महंगाई आएगी ठीक है तो याद रखिएगा जब भी मंदी आती है रिसेशन आता है तो आरबीआई क्या करती है अपनी ब्याज दरों को कम करती है रेपो रेट को कम करेगी बैंक रेट को कम करेगी बेस रेट भी कम करेगा बैंक और उसके बाद बाजार में मुद्रा की जलता बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों लोग ज्यादा पैसे लेने लगेंगे क्योंकि कम ब्याज दर पर मिल रहा है इसके उलट आप देखें आरबीआई क्या करेगी कि भाई आरबीआई देख रही है बाजार में महंगाई बहुत है अब देखिए यही हुआ कोविड के बाद आरबीआई ने ब्याज दरों को कम किया बैंक ने भी अपनी बेस दरों को कम किया तो पब्लिक के हाथ में पैसा बहुत आ गया अब जब पब्लिक की डिमांड बढ़ने लगती है फॉर एग्जाम्पल ये स्टाइलस पेन है ठीक है इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है इसकी डिमांड आपको भी लेना है मुझे भी लेना है दोनों के हमको पता है कि मान लीजिए इसकी प्राइस जो है वो हजार रुपये या बारह सौ रुपये के आसपास है आपको भी लेना है मेरे को भी लेना दोनों के हाथ में बारह बारह सौ रुपये हैं तो अब आप बोली लगाएंगे कि भाई अवेलेबिलिटी कम है डिमांड ज्यादा है बोली लगाएंगे भाई इसकी बोली मतलब मैं पंद्रह सौ देने को तैयार हूँ आप कहेंगे मैं दो हजार रुपये देने को तैयार हूँ मतलब जितना पैसा जितनी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा हम पे करना चाहेंगे कहने का मतलब यह है जब डिमांड बढ़ती है तो धीरे धीरे बाजार में क्या बढ़ने लगती है महंगाई बढ़ने लगती है चीजों के दाम बढ़ जाते हैं आपने कई बार देखा होगा कोविड का ये एग्जाम्पल लेते हैं कि कोविड के दौरान बाजार में तो बंदी आई लेकिन आप देखिए बाजार में महंगाई कैसे बढ़ी कि जब देखा गया बदमाश लोगों ने देखा कि सैनिटाइजर और मास्क के रेट बढ़ रहे हैं तो बोले यार पता मतलब इतनी भी नैतिकता नहीं है है ना कि अब लोग मर रहे हैं उसके बाद भी मास्क और सैनिटाइजर के रेट बढ़ा दिए उन्होंने है ना तो मास्क जो आज दस रुपए का आपको बाजार में मिल जाता है वो एक समय उसका रेट आप देखेंगे तो सौ रुपए डेढ़ सौ रुपए में मास्क नहीं अवेलेबल हो पा रहा था सैनिटाइजर नहीं अवेलेबल हो पा रहा था फिर सरकार ने नियम कानून बनाए फिर प्रोडक्शन भी शुरू हुआ तो सैनिटाइजर और मास्क का रेट एकदम फिक्स कर दिया गया लेकिन एक समय जब चीजों की डिमांड बढ़ती है तो उनकी फिर महंगाई भी बढ़ती है जैसे आपने कई बार देखा होगा कि भाई मैच वैच है तो कई लोग बहुत सारे टिकट एक साथ खरीद लेते हैं फिर बाद में उसको ब्लैक करते हैं अब डिमांड है तो चीजें ब्लैक में बिकती भी हैं। पहले मूवीज हॉल में और जो टॉकीज़ वगैरह हुआ करते थे तो वहां भी ऐसा होता था पर अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्यों पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप देखेंगे तो ऑनलाइन आजकल सब बुक माई शो से सारी चीजें बुक होती हैं जितने में मल्टीप्लेक्स वगैरह हैं वहां पर तो आजकल ये ब्लैक टिकट वाला मामला कम हो गया कहने का मतलब ये जब बाजार में डिमांड बढ़ती है चीजों की तो महंगाई भी क्या होती है बढ़ती है ठीक है तो ध्यान से सुनेंगे अब बाजार में महंगाई बढ़ी हुई है लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है लोगों के हाथ से पैसे कम करने हैं छीनने नहीं है मतलब बाजार से पैसा कम करना है मुद्रा की तरलता को लिक्विडिटी ऑफ मनी को घटाना है तो अब क्या करना पड़ेगा अब रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा बैंक कम पैसा लेंगे और जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा बैंक अपने बेस रेट को भी बढ़ा देंगे तो बेस रेट भी बढ़ेगा तो लोग भी कम पैसा लेंगे अब लोग कम पैसा लेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा कम आएगा तो डिमांड कम होगी और धीरे धीरे महंगाई कंट्रोल होने लगेगी कहने का मतलब यह है ये जो ब्याज दरों को घटाने और बढ़ाने का काम किया जा रहा है जिससे बाजार में मुद्रा की तरलता घटती और बढ़ती है लिक्विडिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द मार्केट ये जो किया जा रहा है इसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ एक है कि अर्थव्यवस्था को संतुलन पर लाना एक तरफ महंगाई को कंट्रोल करना और दूसरी तरफ मंदी को कंट्रोल करना तो इसी के लिए जो नीति बनाती है आरबीआई उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा मौद्रिक नीति कहते हैं ठीक है तो मौद्रिक नीति की यदि आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है मौद्रिक नीति की आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे कि आरबीआई द्वारा बाजार में मुद्रा की तरलता घटाने या बढ़ाने के लिए आरबीआई द्वारा बाजार में में मुद्रा की तरलता घटाने या बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में परिवर्तन किया जाता है और इसके लिए जो नीति बनाई जाती है उसे ही हम मौद्रिक नीति कहते हैं पॉलिसी बाय विच द आरबीआई ट्राइज टू कंट्रोल द लिक्विडिटी ऑफ मनी इन द मार्केट एंड फॉर दिस पर्पज फॉर दिस पर्पज इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट एंड देयर फॉर दिस पॉलिसी इज नोन एज व्हाट मॉनिटरी पॉलिसी क्लियर हुआ अब देखिए मौद्रिक नीति के अंदर आपको यह बात समझ में आ गई कि एक तो बाजार की में मुद्रा की तरलता को या तो बढ़ाना है या तो घटाना है और दूसरी चीज बाजार में मुद्रा की तरलता को बढ़ाना है या तो घटाना है और दूसरी चीज इसके लिए क्या करना पड़ेगा ब्याज दरों में परिवर्तन करना पड़ेगा है ना चेंज इन द इंटरेस्ट रेट करना पड़ेगा और यदि ब्याज में परिवर्तन करना पड़ रहा है हमको तो ये ब्याज दर ही वो क्या हो जाएंगे टूल्स हो जाएंगे वो उपकरण हो जाएंगे जिनके द्वारा आर क्या कर रही है मौद्रिक नीति बना रही है और इस मौद्रिक नीति से वो साख का नियंत्रण करती है क्रेडिट का कंट्रोल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आरबीआई जो होती है वो साख का सृजन नहीं करती आरबीआई साख का नियंत्रण करती है साख का सृजन करने का काम किसका है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का आरबीआई जो साख का नियंत्रण करती है उसके लिए ब्याज दरों को घटाती बढ़ाती है यानी ये जो ब्याज दरें हैं ये इसके वो उपकरण है जिनके द्वारा वो साख नियंत्रण करती है यानी ये जो ब्याज दरें हम लोग पढ़ रहे हैं रेपो रेट पढ़ रहे हैं रिवर्स रेपो रेट पढ़ रहे हैं बैंक रेट पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें साख नियंत्रण के उपकरण कहलाते हैं यानी टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कहलाते हैं ठीक है तो याद रखेंगे साख नियंत्रण जो आरबीआई करती है और साख नियंत्रण के अंदर जिन टूल्स का उपयोग करती है उनको ब्याज दरें कहते हैं और इन ब्याज दरों में परिवर्तन के माध्यम से वो बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ाती है या घटाती है और इस नीति को ही क्या कहते हैं मौद्रिक नीति कहते हैं ठीक है तो यदि आप से कि से क्या है? बड़े से बड़ा तो तो उपकरणों की आप करेंगे, टूल्स आप देखिए यहाँ पर पंद्रह नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा पंद्रह नंबर में तो आपको थोड़ा सा डिटेल में आगे जाना पड़ेगा कहने का मतलब यह है कि साख नियंत्रण के लिए कौन कौन से टूल्स आपको देखने पड़ेंगे तो टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यदि हम देखें यहां पर टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ठीक है तो टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में एक तो हमारे पारंपरिक जिनको हम ट्रेडिशनल टूल्स भी कहते हैं है ना और दूसरे हमारे नवीन उपकरण जिनको हम न्यू टूल्स भी कहते हैं ठीक है तो पारंपरिक उपकरणों में एक तो हम लोग देख रहे हैं अभी क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक जिससे बाजार में ब्याज दरों को घटाया घटाया बढ़ाया था तो मतलब मात्रा की बात हो रही इसमें हमने देखा अभी रेपो रेट फिर हमने देखा बैंक रेट फिर हमने देखा रिवर्स रेपो रेट ठीक है फिर तीन चीजें हम और देखेंगे यहां पर एक हम लोग देखेंगे एस एल आर एक हम लोग देखेंगे सी आर आर और एक हम लोग देखेंगे एम एस एफ ठीक है इसको है रेपो दर कहते हैं हिंदी में इसको बैंक दर कहते हैं इसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं एसएलआर का मतलब है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो स्टेट्यूटरी सांविधिक लिक्विडिटी यानी तरलता और अनुपात यानी रेशियो तो सांविधिक तरलता अनुपात स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो नगद कोष अनुपात ठीक इसको एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे कि ये दो प्रकार के दो गुल्लक हैं है ना दो गुल्लक हैं ऐसे गोल गोल दो गुल्लक बना लेते हैं हम लोग ऐसे दो गुल्लक हैं ठीक है ये जो दो गुल्लक हैं एक गुल्लक आरबीआई और एक गुल्लक बैंक अपने पास रखते हैं तो एक गुल्लक बैंक अपने पास रखते हैं और एक गुल्लक बैंक आरबीआई के पास रखते हैं अब देखिए ध्यान से सुनेंगे जैसे ही आप बैंक में घुसते हैं इसको याद रखने का तरीका एक यहाँ पर गार्ड खड़ा होता है है ना और गार्ड के हाथ में होती है एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल तो याद रखने के लिए बेटा एसएलआर जो है बैंक अपने पास रखते हैं ठीक है तो अपने एसेट्स का वो हिस्सा है ना दैट पार्ट ऑफ देयर एसेट जो टोटल एसेट है उसका एक परसेंट होता है इसको बैंक अपने पास रखते हैं गुल्लक मतलब इमरजेंसी में काम आएगा किसमें काम आएगा इमरजेंसी में जब बैंक का पूरा पैसा खत्म हो जाए जिसको हम लोग बैंक रन कहते हैं है ना बैंक रन की स्थिति हो जाएगी जब बैंक को भागने की जरूरत पड़ जाएगी पैसा ही खत्म हो गया और लोग पैसे मांगने आ रहे हैं लोगों ने अपने पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं हमारे अकाउंट्स में जब पैसे मांगने आ रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है ठीक है तो ये इमरजेंसी के लिए बैंक अपने पास रखते हैं अपने पूरे एसेट्स का एक पार्ट एक अमाउंट जिसको हम लोग एस कहते हैं ठीक है सेल्फ लोडिंग राइफल से याद रहेगा और सी जो होता है बेटा वो बैंक आर के पास रखते हैं ठीक है तो एस अपने पास रखा सी आर के पास रखा एस अपने पास सी आर के पास ठीक है तो ये जो एस और सी है अब देखिए इसका फायदा क्या है कई बार क्या होता है जब रेपो रेट से पैसा कम पड़ जाए बैंक रेट से पैसा कम पड़ जाए तो एस एल आर के एवज में ध्यान तो सुनिएगा एस एल आर के एवज में एक फैसिलिटी है जिसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं सीमांत स्थाई सुविधा ये ऐसी सुविधा है जिसमें एस एल आर को गिरवी रख के और पैसा लिया जा सकता है रेपो रेट और बैंक रेट के अलावा तो कई बार जब बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो अपना गुल्लक गिरवी रखे एस एल आर गिरवी रख के क्या कर सकते हैं और ज्यादा लोन यहां पर ले सकते हैं यहां पर कुछ भी पूछे दो नंबर में पूछ सकता है रेपो दर बैंक दर रिवर्स रेपो दर एस एल आर आप बता देंगे एसेट का वो हिस्सा जो बैंक अपने पास रखते हैं एस एल आर कहलाता है एसेट का वो हिस्सा जो बैंक आपका के के पास कहलाता है है और SLR के एवज में यदि पैसा लिया जाता है, तो उस तो तो हम लोग कहते हैं मात्रात्मक क्वालिटेटिव टूल्स ये तो क्वान्टिटेटिव आपका मात्रात्मक हो गया क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक ठीक है अब देखिए इसका मतलब वो कि एक लीटर दूध तो पी लिया आपने मात्रा तो एक लीटर रखी लेकिन उसमें पानी आपने पौन लीटर मिला के रखा था <laughs> कहने का मतलब यह है कि आपने ढाई ग्राम सही दूध पिया बाकी तो पानी पिया ये तो मात्रा की बात होगी सिर्फ क्वालिटी इसमें क्वालिटी की बात होगी तो भैया भले ही आधा किलो दूध पी रहे हैं आधा लीटर दूध पी रहे हैं लेकिन वो दूध बहुत ज्यादा क्या है पौष्टिक है है ना गाय का है या भैंस का है तो उसकी क्वालिटी बहुत शानदार है तो यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है यानी गुणों की बात हो रही गुणात्मक अब देखेंगे गुणात्मक गुणात्मक के अंदर क्या क्या आता है क्रेडिट कंट्रोल सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहने का मतलब यह है कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब चयनात्मक साख नियंत्रण यह स्वतंत्रता है बैंकों को कि वो किस क्षेत्र में पैसा देना चाहते हैं लेकिन एक बात तय है कि जो कृषि क्षेत्र है या जो मार्जिनल क्षेत्र है कहने का मतलब जो गरीब वर्ग है उसके लिए क्योंकि हमारी सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करती है और डीपीएसपी और सारे बैंक चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो वो आरबीआई के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको एक जो ग्रुप है स्मॉल एंड मार्जिनल ग्रुप है उसको तो देना ही देना है लेकिन चाहे तो फिर वो किसी को भी अपना लोन दे सकते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर उनके पास इस सिलेक्शन की चयन की सुविधा है लेकिन यदि ऐसा केस हो जाता है जैसे विजय मानले वाला केस हुआ कि भैया इतना पैसा लेकर के भाग गए है ना वापस से नहीं चुकाया और वापस से जब नहीं चुकाया जाता तो इसको कहते हैं एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखिए सिंपल सा इसका एक रूल है यदि 90 दिन तक लोन नहीं पटाया गया मान लीजिए लोन की ईएमआई है और 90 दिन तक ईएमआई नहीं बटाई गई तो उसको एनपीए मान लिया जाता है ध्यान रखिएगा ये जो गैर निष्पादित संपत्ति इसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट गैर निष्पादित संपत्ति या नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे तो तो ये क्वेश्चन यहां से पूछ चुका है 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 व्हाट डू यू मीन बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट दो नंबर में पूछा हुआ ठीक तो जब नब्बे किया है आरबीआई ने कि नब्बे दिन तक यदि पैसा ना मिले तो इसको क्या कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है यानी गैर निष्पादित संपत्ति तो देखिए आप चीजों को जब डिटेल में पढ़ते हैं जब चीजों को आप विस्तार में पढ़ते हैं तो उसका कितना फायदा है आपसे एक से अलग अलग चीजें निकल करके सामने आती है ठीक है तो यहां पर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर सिलेक्शन का पावर तो दिया जाता है लेकिन उसके बाद यदि प्रॉपर तरीके से बैंक परफॉर्म नहीं कर पाया जैसे भाई एक बैंक है जो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि उसने जो लोन दिया था ज्यादा एनपी हो गया तो अब बैंक के ऊपर बात आ जाएगी तो अब आरबीआई बोलेगा बैठा करके भैया देखो राशनिंग करेंगे साख की राशनिंग राशनिंग ऑफ क्रेडिट की अब तुमको बहुत ज्यादा बिजनेस सेक्टर में पैसा नहीं देना है क्योंकि वहां से तुमको लॉस हो रहा है अब उस सेक्टर में पैसा दो जहां से तुमको क्या हो फायदा हो ठीक फिर भी कई बार क्या बैंक मानते नहीं है तो कहते ना जैसे पहले

इसके अंतर्गत नोटिस वगैरह दिया जाता है और जरूरत पड़े तो बैंकों का लाइसेंस भी कई बार कैंसिल कर दिया जाता है क्लियर हुआ तो एक क्वांटिटेटिव टूल्स आपको याद रखने हैं क्वालिटेटिव टूल्स याद रखने हैं नवीन टूल्स की यदि हम लोग बात करें तो नवीन टूल्स में एक है आपका हेलीकॉप्टर होवर मनी और एक हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी होवर मतलब खींचना याने मुद्रा की तरलता को यदि खींच लिया जाए बाजार से जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन तो डीमोनेटाइजेशन में क्या किया गया मुद्रा की तरलता को पूरा बाजार से क्या कर लिया गया खींच लिया गया तो यदि बाजार से पूरा इसको खींच लिया जाता है मुद्रा की तरलता को तो इसको कहते हैं क्या हेलीकॉप्टर होवर मनी ये क्यों किया गया था ये ब्लैक मनी जो मार्केट में घूम रही थी जिसके कारण बेवजह महंगाई बढ़ रही थी उसको क्या करने के लिए कर्व करने के लिए लाया गया था हालांकि ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था और हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी मतलब सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जैसे अभी मोदी की गारंटी चल रही है या कांग्रेस भी अपना न्याय पत्र लेकर के आ रही है कि भैया हम ये ये सारी चीजें देंगे मतलब एक साथ जो पैसा है वो बाजार में ढकेल देना मार्केट में डाल देना ये हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी कहलाता है तो ये नवीन टूल्स है और ये क्या है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स अब आप बोलोगे सर ये तो सरकार कर रही है या बैंकों के माध्यम से ही पैसा देगी जैसा कई बार आपने सुना होगा कि सिलेंडर की सब्सिडी जो है वो डायरेक्ट मिलती है लोगों के अकाउंट में तो याद रखेंगे ये टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल हैं और मौद्रिक नीति से इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं साख नियंत्रण के उपकरण तो यहां से मौद्रिक नीति से ये सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आशा है आप मौद्रिक नीति को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे यहां पर दो दो नंबर की आपको डेफिनेशन तैयार करनी है पंद्रह नंबर में आपको पूरी मौद्रिक नीति पूछी जा सकती है और इसके अंतर्गत यदि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ रहेंगे तो आगे आपको किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होगी चलिए मिलते हैं कल हम लोग साढ़े बजे और साढ़े बजे बाकी बचे हुए टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं ब्रेक के बाद जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़